भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से चीन का साम्राज्य हिलता नजर आ रहा है। दुनिया भर के निवेशकों को भारत का भविष्य एकदम सुनहरा दिख रहा है। वहीं चीन अपनी पोजीशन से फिसलने के संकेत दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का पूंजीकरण 2075 तक बढ़कर 4 गुना हो जाएगा और ये 12% के साथ चीन के बराबर होगा, जबकि तब तक अमेरिका की हिस्सेदारी में 22% तक कमी हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत हर साल लगभग 6-7% की दर से विकास करके चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। आखिर इस तरक्की का भारत की आबादी पर क्या असर होगा, किस तरह से तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास को इसका फायदा मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, इन सभी सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी के तौर पर होगा। दरअसल भारत में नए बाजार उभरेंगे तो इससे देश को फायदा होगा। वहीं कई कंपनियां चीन प्लस वन रणनीति के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प तलाश रही हैं। भारत में इस मैन्युफैक्चरिंग के आने से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास होगा। इससे भारत की विकास दर बढ़ेगी, ग्राहकों की खपत में इजाफा होगा, जिससे निवेश के नए मौके मिलेंगे। विकास की इस बयार के बहने पर भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल भी विदेशी निवेशक भारत और चीन के बाजार की तुलना कर रहे हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि उन्हें किस देश में निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिलेगा। उभरते देशों के शेयर बाजारों की लिस्ट में भारत जहां ताइवान को पीछे छोड़कर आगे निकलने का दम दिखा रहा है, वहीं चीन के शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। ऐसे में अनुमान है कि चीन पहले जैसी ऊंची विकास दर हासिल नहीं कर पाएगा और वहां पर मौजूद मौकों की संख्या सीमित हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आने पर प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से भी भारत को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में चीन और अमेरिका के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के बीच भी इस तरह का तनाव बढ़ सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।